गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट एसएसटी में एट चैप्टर रनिंग है। एट चैप्टर में रीड किया था केयरिंग एंड शेयरिंग यानी फैमिली में जब हम रहते हैं तो उन फैमिली मेंबर्स को केयरिंग और शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। केयरिंग और शेयरिंग आना चाहिए उनको, तभी हमारी फैमिली हैप्पी हो सकती है। तो आज अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सैम्स मदर कुक्ड फूड फॉर द डैश। सैम की मदर जो है वो खाना बनाती है किस लिए? ऑफिस के लिए, फैमिली के लिए या उसके लिए? फैमिली के लिए। ओके, राइट आंसर है फैमिली। डैश वाटर्स द प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डन में प्लांट्स को वाटर कौन देता है? फादर, मदर या ग्रैंडफादर? तो ग्रैंडफादर राइट आंसर है। सैम्स फादर अर्न फॉर द डैश। सैम के फादर जो है किसके लिए अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं? मदर, चिल्ड्रन या फैमिली? फैमिली के लिए। वी मस्ट डैश द वर्क एट होम। हमको हमारे घर का काम क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, ताकि सभी को काम भी आ जाए और किसी एक पे बर्डन भी नहीं हो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग, सेकेंड क्वेश्चन बी है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं प्ले, ग्रोसरीज, मेंबर्स, क्लोथ्स। ओके, तो क्वेश्चन बी का फर्स्ट है द डैश ऑफ द फैमिली लव वन अनदर। तो कौन फैमिली के कौन जो है आपस में लव करते हैं वन अनदर एक दूसरे को? मेंबर्स। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मेंबर्स। फादर ऑल्सो ब्रिंग्स डैश फ्रॉम द मार्केट। फादर जो है वो मार्केट से क्या लेके आते हैं? ग्रोसरीज। क्या लाते हैं? ग्रोसरीज। मेंबर्स वन में, सेकेंड में ग्रोसरीज। मदर वॉशेज अवर डैश। मदर जो है वो क्या वॉश करती है? क्लोथ्स। ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डैश विद द चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डैश विद द चिल्ड्रन। क्या करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ? प्ले। क्या करते हैं? प्ले। तो क्लोथ्स आएगा थर्ड में और फोर्थ में आएगा प्ले। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर क्या है? क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं? चिल्ड्रन पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं? तो आंसर अपन लिखेंगे चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स बाय शेयर द वर्क एट होम। घर पे जो वर्क होता है उसको शेयरिंग करके और चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स बाय शेयर द वर्क एट होम। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड है व्हाट डू पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो है अपने चिल्ड्रन के लिए क्या करते हैं? पेरेंट्स अर्न, कुक फूड, वॉशेस क्लोथ्स एंड लव देयर चिल्ड्रन। ओके, पेरेंट्स अर्न है ना, पैसे कमाते हैं। पेरेंट्स अर्न, कुक फूड, washes clothes and love their children। इतना सब कुछ करते हैं। Parents earn, cook food, washes clothes and love their children। Okay? Now question C है how do you help your grandparents? आप अपने grandparents की help कैसे कर सकते हैं? When grandparents in bed or during meals talk to them। उनसे बात करनी चाहिए जब वो बेड में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एंड ऑल्सो लिसन और सुनना चाहिए वॉट दे आर सेइंग कि वो क्या कह रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स से। देखिए व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स इन बेड और ड्यूरिंग मील्स टॉक टू देम एंड ऑल्सो लिसन वॉट दे आर सेइंग। ये हम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन ए और बी आपको बुक में फिल करना है, लेकिन क्वेश्चन सी जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।